जी कैसे हैं आप सभी। सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02311 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस में, जो कि रोज़ाना हावड़ा से रात 9:50 में निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 3 बजे कालका पहुंचाती है। लेकिन हम लोग जर्नी यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं सिकोहाबाद से, अब मतलब हम लोग पहुँचने वाले हैं सिकोहाबाद। इसके पीछे क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद। एक्चुअल में अब मैं क्या बताऊँ आपको, कैमरा जो है ना वो मेरा प्रयागराज स्टेशन से पहले यमुना रिवर जब क्रॉस कर रहे थे तो ब्रिज का वो वीडियो ले रहे थे, इसी क्रम में ब्रिज में दो बंदे खड़े थे, वो कैमरा पे हाथ मारे और कैमरा चला गया नीचे नदी में और दो लोगों का फ़ोन भी गया, तो इस वजह से मतलब हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो अभी सो गए थे, अभी सो के उठे हैं, सोचे जब इतनी मेहनत किए हैं जर्नी किए जल्दी, वैसे इस ट्रेन में टिकट मिलता नहीं है, तो इस ट्रेन के बारे में जो भी जानकारी हो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को बताऊं, ताकि आप लोग को पता चले क्या चल रहा है ट्रेन में, नहीं चल रहा है खाने पीने का सीन, वो सारा चीज़ मैं आपको इसी में दिखाऊँगा। वैसे तो भाई 40,000 का नुकसान लग गया, 40,000 का चूना लग गया, अफसोस हो रहा है। 2 साल से जर्नी कर रहे थे लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। अब कह नहीं सकते हैं, स्टेशन आ गई है सिकोहाबाद, चलिए स्टेशन के बाहर चलते हैं और बात करते हैं। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 1.5 घंटा डिले। अब हुआ क्या था वो मैं आपको बता दूँ, जब ट्रेन ना यमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनी है प्रयागराज स्टेशन से पहले, जब वो क्रॉस कर रही थी ना, तो ब्रिज में जो पिलर होता है ना, वो पिलर में मतलब दो बंदे दुबक के बैठे हुए थे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वैसे ही ब्रिज पे सर कौन निकालता, मैं बस अपना हल्का सा हाथ निकाला था कैमरा, वो शूट हो रहा था, वो दुबक के बैठे हुए थे, वो अचानक से जंप किए और मेरे मतलब हथेली पे मारे चाटा, जैसे ही चाटा मारे हाथ से कैमरा छूट गया और वो नीचे जाके गिर गया। वैसे जब हमने ये टिकट करवाया था नेताजी एक्सप्रेस में तो उस वक्त मेरा था वेटिंग 20, हमें नहीं लगा कि मतलब RAC मिलेगा कन्फर्म होगा, लेकिन कन्फर्म हो गया था और ऊपर वाला बर्थ मिला था। तो अब क्या बताएं, वो सारा चीज़ मैंने आपको पहले ब्लॉग में मतलब जो हमने शूट किया था कैमरा से उसमें हमने बताया था, लेकिन अब फिर से बताना पड़ रहा है। तो यही रहा अपना बर्थ, ऊपर देख लीजिए, कुछ देर पहले इसी पे लेटे हुए थे और अभी फिर मूड बना तो सोचे नहीं दिखाते हैं, जो भी है जो हमने इससे पहले दिखाया था वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, वैसे मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी दिखाना तो है ना। चलिए अब मैं आपको वाशरूम दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल हम आ गए हैं इंडियन स्टाइल वाशरूम में और इसमें भी आप देखिए सामने मिरर बिल्कुल साफ है, ऊपर लाइट चल रहा है और इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है। ये रहा बेसिन का कंडीशन, यहाँ किसी ने पान खाकर गुटखा खा के थूका है, पानी तो आ रहा है। ये डस्टबिन, ओवरऑल कंडीशन सही है, मतलब ट्रेन हम लोग की पहुँचने वाली है कुछ देर में दिल्ली, लेकिन अभी तक जो कंडीशन है ना मैं देख रहा हूँ, मैं तो पूरा जर्नी किया हूँ तो मैं देखा हूँ, मतलब बराबर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है ऑन बोर्ड स्टाफ के द्वारा। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट टुंडला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TDL और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 1 घंटा 10 मिनट डिले। और टुंडला जो है ये पड़ता है UP में, अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 140 ट्रेन्स आकर रुकती थी और अभी फिलहाल 91 ट्रेन्स आकर रुकती है। अगर मैं नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो ये ट्रेन टोटल 1710 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 29 घंटा में, 29 घंटा में इस ट्रेन का मतलब कि हावड़ा से कालका के बीच में 36 हॉल्ट है। ट्रेन हावड़ा से निकली थी तो उस वक्त हम रात का खाना हावड़ा से खा के ही निकले थे और सुबह में हमने ब्रेकफास्ट किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मतलब DDU में, वहाँ हमने 2 ब्रेड अमृत लिया था, वो 20-20 का पड़ा था, तो वही ब्रेकफास्ट किए थे। उसके बाद लंच लेके प्रयागराज में सार्थक भाई आए थे, सार्थक भाई को आप जानते होंगे 1-2 ब्लॉग में वो आए थे इससे पहले प्रयागराज। तो लंच में सूखी सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, रोटी थी और सलाद, और साथ में उन्हें पता है कि मोनू भाई मीठा खाते हैं तो इसमें लड्डू रखा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है, मीठा नहीं खाए क्योंकि घटना घट जाने के बाद ऐसा हुआ, वो भी इंतज़ार कर रहा था कि भैया आएंगे और व्लॉग बनाते हुए आएंगे, लेकिन उन्हें भी पता चला कि यहाँ तो कुछ अलग ही सीन हो गया, तो मीठा खाए नहीं अभी है, खाएँगे बाद में देखा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मीठा में क्या है, ये निकल जाओ भाई,
ये मोती चूर का लड्डू। तो भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मम्मी को भी धन्यवाद जो मेरे लिए मतलब रोटी और ये सूखी सब्जी पनीर की सब्जी बना के दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। व्लॉग जो है ना बहुत बढ़िया बन रहा था, लेकिन अचानक से अब एक गलती की वजह से। आप लोग भी अगर जर्नी करें ना इस रूट में, तो इस बात का ध्यान रखें, प्रयागराज जब भी आता है स्टेशन, उससे पहले एक ब्रिज आती है, तो वहाँ पे बहुत लोग, ऐसा नहीं कि हम तो छोटा सा कैमरा था उसे हम ब्लॉग वीडियो बना रहे थे, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं गंगा जी को रिवर को कवर करने के लिए मोबाइल रखते हैं, तो कितने लोगों का मोबाइल गया, तो ऐसा रोज़ाना होते रहता है। लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए, जब रोज़ाना ऐसा होता है, रोज़ाना कंप्लेन होता है, उसके बावजूद मतलब रेलवे कुछ नहीं करती है, हम तो कहेंगे एक RPF का ड्यूटी वहाँ परमानेंट कर देना चाहिए, जबकि ये आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से ऐसा हो रहा है। वैसे हमने कंप्लेन कर दिया है, लेकिन उसे कुछ होने वाला है नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, वो तो चला गया ना, उसके पास तो कैमरा है नहीं, वो तो चला गया नीचे नदी में। सो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJN, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 1 घंटा 15 मिनट डिले। अलीगढ़ स्टेशन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1976 में। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है, और अलीगढ़ जो है ना ये पड़ता है UP में, तो आपको पता ही होगा अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, लॉक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है अलीगढ़। यहाँ का ना लॉक ना पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्टेड होता है। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट खुर्जा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KRJ, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 1 घंटा 10 मिनट डिले। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, और खुर्जा पड़ता है UP में। पता नहीं आपको कैसा क्वालिटी मिल रहा होगा मोबाइल से, वैसे तो मूड तो बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का, मुझे तो बस आप लोगों को मैसेज देना था कि मेरे साथ क्या हुआ। और आप लोग भी, मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अगर इस रूट में जर्नी करें ना तो ध्यान रखें, बहुत लोग मोबाइल निकाल के क्लिप बना रहे थे, तो आप लोग ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हो। 2 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार आज हो गया ना, जब मेरे साथ हो सकता है तो आप लोग के साथ भी हो सकता है। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है ना हम लोग यहाँ पहुंचाई है 2 घंटा डिले। अब समझ सकते हैं इससे कि ट्रेन कालका मेल मतलब नेताजी एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है, 2 घंटा डिले पहुंचाई है। 1 घंटा डिले तो पहले ही थी गाज़ियाबाद में, उसके बाद यहाँ पे आउटर पे लगी हुई थी 1 घंटा से, 2 घंटा डिले हो गई। एक तो पहले से मूड ख़राब, ऊपर से ये डिले, तब समझ सकते हैं मूड का दही बना हुआ है। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पहली बात ये मेरा कैमरा खो गया, तो जर्नी एक्सपीरियंस तो गंदा है ही। वैसे ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो साफ़ सफाई, बाथरूम का कंडीशन एवरेज था, कोच का जो कंडीशन है ना वो प्रॉपर तरीके से मैं दिख रहा था, बराबर टाइम टू टाइम साफ़ किया जा रहा था, कोच का कंडीशन 3rd AC में सही था, स्लीपर का मुझे नहीं पता। और रही बात खाने पीने की, तो भैया खाने पीने में आपको जो है ना पैक फूड मिलेगा, वही हल्दीराम का और टाटा कंपनी का, और ब्रेकफास्ट में उपमा पोहा पैक मैगी वगैरह यही सब मिलेगा। यही थी ओवरऑल जर्नी, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, मेरा साथ GoPro Hero 8 का बस आज तक ही था। अब देखते हैं, अब नया कैमरा अपडेट करते हैं, अपडेट का एक्शन कैमरा ही लेंगे क्योंकि कंफर्टेबल रहता है,
उसके बाद फिर से मैं जर्नी आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे मैं कालका तक जाने वाला था, टिकट मेरा वहाँ तक का था, लेकिन अब फ़ोन लेकर मैं वहाँ तक नहीं जा सकता हूँ, फ़ोन से मैं वीडियोग्राफी नहीं कर सकता हूँ। फिर से उधर से कालका से दिल्ली का भी ट्रेन का टिकट था, वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो अब देखिए जितना जल्दी हो मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा सा कैमरा लेके फिर से मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँ, ब्लॉग दिखाऊँ और जो रियलिटी है वो मैं दिखाऊँ। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।